चलो दिल्ली हाट तो पहुंच गए हम लोग, और जूती देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये 35,000 का, ये कृष्ण भगवान जी वाला, विष्णु भगवान वाला, सॉरी, ये ट्री ऑफ लाइफ है, सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ के लिए होता है, ट्री दुपट्टा 2.5 लाख का, क्या 2.5 लाख का भी दुपट्टा है, 2.5 लाख का दुपट्टा है, वो तो अंदर है। Hey guys, good morning. Wish you a very happy Dashera. और आज अभी बज रहा है 12:00 PM, थोड़ा हम लोग लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक मस्ती किए, उसके बाद सो गए हम लोग, लेट हो गया था। तो अभी फ़िलहाल देखो नाश्ते में इडली बना दिया हमने, उधर गोलगप्पा पड़ा हुआ है, अभी घर का जो है सफाई चल रहा है, इधर सिंपी जो है देखो पूरा कपड़ा उपड़ा पसार रही है, और छोटी जो है पूरा मंदिर का सफाई कर रही है अभी, और ये नहीं खा। अरे वाह, बचवा लोग सब एकदम सेट हो गया है। हाँ मुशा, सब लोग नहा लिए भाई, इंक्लूडिंग मी। क्या जब चलता ये राम तुम मारी धक्का बॉल पे, देखो ये दिन भर एक्सरसाइज करते रहेगी। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं दशहरा में, कहाँ ये पता नहीं, बस अभी गाड़ी निकाल के और कहीं का मैप सेट करेंगे और पहुंच जाएंगे वहां पे। तुम लोगों को चाहिए क्या फल? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, आप सभी को हैप्पी दशहरा हमारे तरफ से, और 3 बजे हैप्पी दशहरा, 3:00 PM। चलो यार, अगर घर में लेडीज लोग हैं ना, और आप प्लान कर रहे हो 1 बजे निकलने का, और अगर लेडीज है तब उनको समय बोलो 11 बजे निकलना है, तब आप 1 बजे निकल पाओगे, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो 1 बजे निकलने का और उनको भी 1 बजे बताया है तब आप 3 ही बजे निकलोगे, क्योंकि 2 घंटा उनको चाहिए। ये देखो जरा गुंडागर्दी का मतलब, सोफा पे रख के जूता पहने हैं, सबको ना घर में आने के लिए मना कर दी, सबका बैंड बजा के रखी है कि जूता है नया, तो इसका क्या मतलब है? हे गाइस, चलो फाइनली 3 बजे ही निकल रहे हैं, और कहाँ निकल रहे हैं हम लोग? दिल्ली हाट। दिल्ली हाट जाने के लिए बताओ इतना टाइम लगता है लोग को तैयार होने में। Hey guys, तो चलो अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं, अच्छे से तो फिर और हेयर बैंड भी रखी है, फिलहाल जा रहे हैं हम लोग, तुम्हारे लिए भी रखे, सो जाओगी। दिल्ली हाट जो कि यहाँ से करीब 29 किलोमीटर दूर है, और हमें लगेगा ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक कैसा रहता है। अभी हम लोग धौला कुआं पहुंचने वाले हैं थोड़े देर में, बाकी वेदर तो मस्त है। बच्चा लोग कोई दिक्कत? हाँ बच्चा लोग बोलो, सब ठीक है तुम लोग का? नहीं, मामूशा। अच्छा हम लोग दिल्ली पहुंच गए, और अब सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है दिल्ली हाट, जो दिल्ली का हार्ट भी है, और वहाँ पे यार हमें लगा हुआ बहुत जोरों का भूख, इनफैक्ट टाइम जो है ना वो हो रहा है 4 बज गया है, और सुबह से लिटरली हम लोग सिर्फ 2 इडली हम लोग सब लोग खाए हुए, और आप समझ सकते हो मतलब इतना भयानक चूहा कूद रहा ना हम लोग के पेट में, बहुत भूख लगा हुआ। चलो यार फाइनली नाच नाच के पहुंचे, अभी लेफ्ट में जाना, लेफ्ट में, अच्छा ठीक। हाँ चलो यार पहुंच गए हम लोग,
किधर से जाना है बाबू? जाने का तो हमको भी नहीं पता, तुम तो देखी जाने में हम 10 किलोमीटर ज्यादा चल लिए, तो थोड़ा हम अलग टाइप से ही चल रहे हैं भाई लाइफ में। चलो दिल्ली हाट तो पहुंच गए हम लोग, और तुम्हारा यहाँ पे देखो पार्किंग का स्पेस है क्या? सब लोग अपने नानी के पास एक बार जाता है, चल तो रहे हैं बेटा। बेटा यहाँ नानी नहीं रहती है। अरे इधर भी डांडिया है क्या? हाँ डांडिया इधर भी है क्या? आओ चलो। चलो वाह आओ भाई। यार यहाँ तो बहुत चीज है देखने के लिए, बट अभी लग रहा है इतना तेज धूप ना कि और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलते हैं पहले खाना खाते हैं कहीं पे। सिंपी सब मधुबनी पेंटिंग है, चलते हैं पहले। खाने का किधर होगा? आगे है। चलो स्टेट का फूड है, हर स्टेट का अलग अलग है। हाँ हैदराबादी थाली खाना है। ये क्या शिलोंग? अच्छा ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आ गया, इधर से तो नहीं आगे से जाना होगा, या इसको क्रॉस करके है, इसी को क्रॉस करके। आहा मजा आ गया भाई, इधर तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। दरबारे अवध, अवध खाना है क्या? आओ आओ थाली है इधर, वेज थाली राजस्थानी। ये देख मार्केट करो और खा पी के निकल लो। यार ये मस्त जगह है, ओए आराम से चलो यार, बिल्कुल लगा लो। पानी पूरी खाया जाए, और क्या नूडल और ये सब खाना है क्या? नहीं जी नहीं खाना खाना। भाई हम लोग आए हुए हैं यहाँ गोलगप्पा खाने। गोलगप्पा 80 रुपए का प्लेट है, बताओ यार बाहर से ऑलमोस्ट दिल्ली के रेट के हिसाब से तो। ये सोट नहीं डाले है? चलो भाई खाना ऑर्डर करें और उसके बाद देखा जाए, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करें। आओ हाथ पकड़ ले बेटा, चलो यार एक बार थोड़ा दिल्ली हाट घूम ले क्या? नहीं इधर नहीं है। जूती देखो यहाँ पे सब लेदर का है। देख रही है सारा ये लेदर का ही है, ये स्मेल आ रहा है। मोजरी और ये एथनिक है ना पूरा। ये देखो ये वाला बाप रे इसका, ये देखो कुछ ज्यादा नहीं है कुशन। देखो भाई शॉल का स्टॉल, कश्मीर कैश्मीर। ये कितने का है? और ये क्या है मटेरियल? है तो काफी सॉफ्ट। कौन सा ये वुल है? सिल्क प्लस वुल। सिल्क प्लस वुल मतलब सिल्क भी है आप बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा ये लुक्स। देखो जी यहाँ पे कितना सारा वैरायटी है, ये तो क्या बोलते हो आप लोग। कहाँ जा रहे हैं?
हे भगवान, ये देखो तो जो सुपर गजब सही हो भाई, देख रहे इसको टांगने के लिए तैयार है ही, मतलब क्या ये क्या है, जूट का बैग दिखाओ, क्या टांगोगे उसमें, इधर देखो ना इन लोगों को, ए उड़ाने के लिए नहीं है आन्या, बहुत महंगा है यार 750 के हिसाब से। क्या सही है ना, ठीक है बस थोड़ा कॉस्टली है, मार्केट थोड़ा कॉस्टली है ना, उधर देखो ना ये लोग बच्चा लोग भाग रहा है यार, रुको तुम लोग यहीं पे रहो, अरे ये बच्चा लोग कहाँ भाग रहा था, अन्या प्लीज चलो, तो अलग परेशान कर रहा है, ये हम लोग आए हैं, अच्छा थ्रो नहीं है क्या सोफा में डालने वाला, सब दोहर है ये तो, ऐसे भी तो डाल सकती है, हैंडलूम का कपड़ा होता है 3500 का जूट का है ये, और क्या लेंथ क्या है, कितना है ये, 7.5x9, अच्छा सुपर किंग साइज, ओके है तो मोटा कपड़ा बट दाम ज्यादा है 3500 रुपये, ये क्या डबल साइड सोफा कवर, अच्छा डबल लेयर है क्या इसमें, अच्छा ये आपका जयपुरिया वो है क्या कंबल, दोहर, अच्छा ये क्या साइज है डबल का, इसका डबल 20% डिस्काउंट के बाद भी ये 560 रुपये कम करोगे आप 2800 में, 2200, इसका लेंथ क्या है, ऐसा लेना है, ये लेंथ कितना है, 5x7.5 तो छोटा है ना, नहीं नहीं इसका मैं डबल, वो देखो वो वाला जो है जिसमें ग्रे कलर और वाइट में नहीं है, जिसमें वो है, नहीं नहीं वो है उल्लू है, उल्लू बैठा हुआ, इसके ये ना हाथ का काम है, निडल वर्क है, क्या चीज़, हाथ का काम है निडल वर्क, ये भी वही है क्या, कवर होता है, इसपे बैग भी डालते हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ा है, नहीं चलती चादर, भाई कितने का है, नहीं इतना बड़ा सोफा के लिए तो नहीं, सेट ले लो, ये बेडशीट के तौर पे ठीक है, नहीं नहीं यार ये देखो यहाँ से पूरा ऊपर से नीचे दोहर का ही दुकान, ये सारा हैंडलूम है मतलब हाथ से बना हुआ, ये अच्छा ये तो वो है ब्लैंकेट टाइप का, ये ब्लैंकेट है, ये है क्या मटेरियल, ये वूल है, मैं दिखाऊंगा इसको पैसे पहनते, देखो तो ये ब्लैंकेट है 1200 का, ये देखो ये कश्मीरी लगोगी तुम लोग, क्या रेट है, हाँ क्या है, क्या बोलते हैं इसको, जैकेट जैकेट जैकेट, मेंस है वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए भी, जेंट्स के लिए, जेनेट्स और मेनेस दोनों के लिए, ओ क्या रेट है, 3000 का बड़ा है 4000, अच्छा ये 3000 का, नहीं ये 4000, ये वाला जो लगा हुआ है, नहीं नहीं
ये देखो तो ये बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसे ही पहनो। ये देखो 4,000 रुपए का है ये जैकेट, अच्छा लग रहा है वैसे, कश्मीरी डिजाइन। पैंट अच्छा लग रहा है ना, ये काफी सॉफ्ट है मटेरियल, देख लो चालू कैसे ये पैंट 1200 का। मटेरियल क्या है ये? लिनन लिनन खादी, अच्छा बढ़िया लग रहा है। यहाँ देखो ये सब थोड़ा अलग टाइप का है, अच्छा लग रहा है सीरियसली। ये देखो ना, ये देखो ये सब, देखो कभी भी कोई यज्ञ योग्य टाइप में गई पूजा वूजा में ये सब पहन सकते हैं। साइज क्या है? अच्छा है। इधर ये जैकेट है, ये कैसे है जैकेट? 4500 का है, सिल्क का है। 4500 रिवर्सिबल है और सिल्क है। सिल्क रिवर्सिबल भी है, कॉटन वाला। अच्छा थोड़ा महंगा है यार ये पूरा सिल्क तो नहीं, कुछ मिक्स है ना? बाहर सिल्क है अंदर कॉटन। अच्छा ये सारा रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। ये 35, ये देखो ये मधुबनी पेंट है ना, ये मधुबनी है ना? ओके देखे, देखने में सुंदर। और ये दोनों साइड पहनते हैं ना? नहीं ये तो एक ही साइड है। नहीं नहीं दोनों साइड है। क्या इसका प्राइस? 2500। ये देखो जी इधर कुर्ता, ये क्या मटेरियल है? चंदेरी सिल्क, कैसे है ये? 1800 का है। सिर्फ कुर्ता कुर्ता? हाँ, कली में, घेरा वाला है। अच्छा ये सारा भी सिल्क में ही है क्या? खादी कॉटन है। खादी कॉटन, क्या रेट है? कौन सा ये? 750। 750। अच्छा क्या? 700 का है। ये देखो दिखाइए जरा, कुर्ता तो अच्छा लग रहा है यार देखने में। ये कैसे है? ये 750। ये देखो ये स्लीवलेस है कुर्ता, ये कितने का है? 750। अच्छा ये भी 750 का है। और इसका फ्री साइज क्या है ये? 38, 38, 38। अच्छा वो मिल जाएगा। ये तो बड़ा सुंदर है सिंपी, दिखा। बट ये अभी के लिए नहीं, गर्मी में ठीक रहता है। हाँ हाँ देखो यहाँ पे बहुत सारा ये सब स्लीवलेस देख रही हो, ये सब खादी कॉटन। हाँ लेकिन मतलब हम बता रहे हैं कि इस तरह का जो डिजाइन्स है यहाँ पे अवेलेबल है, आगे आके ले सकती हो कभी। चलो अच्छा है। कौन सा? हाँ ये प्लेन है। ये क्या सिल्क है क्या? नहीं चाहिए, नहीं कपड़ा क्वालिटी ऐसा। चलो देखो जी, फिर इधर पूरा शॉल का है। कैसे है शॉल? ये शॉल कैसे है? ये वाला 7000। सिर्फ ये शॉल? एक काम तो बहुत सुंदर किया हुआ यार इसमें, 7000 वाले में अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये किसमें? कैनवस में किया हुआ है सर? ये कैनवस शीट होता है, इसमें 60% ब्लॉक होता है, 40% पेपर, दोनों मिक्स होता है इसमें। अच्छा हर पेंटिंग की मीनिंग्स होती है। ओके जैसे ये फिश हो गया सिंबल ऑफ गुड लक के लिए। गुड लक ये भी फिश है? हाँ ये भी फिश है सर। ये मंडाला आर्ट हो जाता है, सिंबल ऑफ यूनिटी के लिए। यूनिटी? हाँ अच्छा
ये नया चीज है, ये ट्री ऑफ लाइफ है, सिंबल ऑफ लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। सिंबल ट्री ऑफ लाइफ लॉन्ग लाइफ के लिए, समझ गए। सब जितना भी है सब हैंडमेड ही है, कलर से लेके जितना भी है सब हैंडमेड है। इसमें कोई पेंसिल या किसी का भी यूज नहीं करते, फ्री हैंडवर्क हम लोग बनाते हैं इसमें। अच्छा, इसका जो कलेक्शन है नाइस नाइस, पूरी फैमिली यही काम करते हैं पेंटिंग। आप लोग मधुबनी से ही हैं? मधुबनी से हैं सर, जितवारपुर गाँव में। ओ बहुत बढ़िया, अच्छा बनाया हुआ है सारा। ये सारा फ्रेम में है ना? ये फ्रेम मतलब इसमें से डिस्प्ले के लिए हमने फ्रेम में लगाया है सर। अच्छा, आप बोल रहे हैं इसको उठाओगे तो फ्रेम में लगा के दे देंगे? हाँ, आपको फ्रेम के साथ चाहिए तो फ्रेम के साथ दे देते हैं, बिना फ्रेम के चाहिए तो बिना फ्रेम के भी दे देते। क्या रेट क्या है इस साइज में सर? 2500 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है ये। हाँ, और 35,000 तक की रेंज। 35,000 का कौन सा है? 35,000 का एक ये विष्णु भगवान का ये वाला है, ये 35,000 का, ये कृष्ण भगवान जी वाला, विष्णु भगवान वाला, सॉरी। ये देखो जी, विष्णु भगवान वाला जो पेंटिंग है 35,000 का है। और कौन सा है? ये सरस्वती जी है, ये देखिए पहले का। सरस्वती जी का ये 35,000 का है। इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 2 महीना लगा है सर। 2 महीना? एक एक देखिए भाई कितना बारीकी से इसमें काम किया हुआ है। ये देखो एक एक पेंट और उसमें जो भी लगा हुआ है ना, 2 महीना 35,000, काफी खूबसूरत है। वाह, रियल पर्ल्स, ये सब सब क्या असली मोती है? और ये सब जो है स्टोन्स, ओनेक्स, एक होगा भाई 500 में, ओरिजिनल बता रहे हैं ना ये। ये देखो ना, ये देखो, ये ओरिजिनल है जिसमें मोती ये होता है पाया जाता है। ये शेल जो है ना, इसी में तो मोती पाया जाता है। ये सब जो है ना, ये ओरिजिनल है तुम्हारा, वो मोती मतलब अपना रियल शेप में ये सब। ये देखो भाई, ये सारा मोती का एक एक सेट का दाम है 550-450। यार अब निकलते हैं यहाँ से, कुछ लेना देना तो हुआ नहीं हम लोग का, बस यहाँ आके थोड़ा घूम लिए और मन रिफ्रेश्ड हो गया। वैसे बहुत ओवर प्राइस्ड मार्केट लगा मेरे को, है ना, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है यार यहाँ पे तो। ये देखो चुन्नी, चुन्नी है ना जी दीदी फ्रंट पे। ओ कितने का ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो 450 का कुशन, एक पीस है 450 का, पूरा दिवाली स्टाइल है, फुलकारी वर्क है ना, इसका दुपट्टा अगर लोग आप 450, बट यार 450 तो बहुत महंगा है। क्या पाँच दे देंगे? क्या 300 रुपये? 300 नहीं, 360 रुपये। क्या चीज़? ये फुलकारी वर्क है ये, अच्छा लग रहा है वैसे तो, बट महंगा थोड़ा बता रहे हैं। ये कितना? 1800 रुपये का है। हाँ यहाँ पे दे देगा, माहौल है ना ऐसा, पसीना नहीं चू रहा है, हवा चल रहा है तो देगा ही लोग। ये मोटा, ये देखो मैं हाथी थी, ये पत्ता दे दुपट्टा है 2.5 लाख का। क्या 2.5 लाख का भी दुपट्टा है? अच्छा दिखाओ जरा, 2.5 लाख वाला, पता नहीं अंदर गई। चलो 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 दिखाओ ना मेरे को, एक बार पकड़ो जरा, 2.5 लाख का दुपट्टा है।
है, दिखाओ यार 2.5 लाख का दुपट्टा। नहीं दिखा सकते, अभी नहीं दिखा सकते। चलो थोड़ी देर बाद आइए जब। चलो, वैसे इंटरेस्टिंग है 2.5 लाख का दुपट्टा तो। हे बालाजी भगवान, क्या यहाँ ज्यादा अच्छा हवा चल रहा है? चलो आ जाओ। क्या ये तो गेट के अंदर क्या था कॉस्ट, गेट के बाहर का दिल्ली है, गेट के बाहर भी मार्केट लगा, उसका थोड़ा रेट बता दीजिए। अच्छा ऐसा है क्या? चलो चलो, ये अच्छा जगह है यार फोटो लेने का। अरे काहे टेंशन ले रही है, कल बंजारा चलना ना तुम। बंजारा में ही है आसरा, हम लोग को बंजारा ही सूट करता है। ये भी हमको, हम बना के खिलाएंगे आज खाना, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ये पूरा लकड़ी का ही है। चलो भाई दिल्ली हाट को करते हैं अलविदा, जय बालाजी। चलिए चलिए। मैम क्या देख रही है? ये क्या लिखा हुआ? स्वीट होम, स्वीट लव, स्वीट होम। हाँ तो अपना घर में लगाने का थी। मैं कुछ बोला कस्टमर को? बाहर भी है भाई यहाँ पे तो। आप लोग इधर देखो, यही अंदर जाएगा ना तो और महंगा हो जाएगा। कैसे है ये तितली? 380 देने वाला रेट। अच्छा बटरफ्लाई 350। चलो यार अब निकला जाए भाई। यहाँ तो देखो बिल्कुल त्योहार वाला कलर है गाड़ी का भी। ये देखो एकदम चटकीला ऑरेंज और ये गोल्डन कलर में। आओ छोटी, ये गाड़ी देखो ना कितना चटकीला, एकदम दिवाली वाला कलर है दोनों गाड़ी का। नहीं दोनों दिवाली वाला कलर नहीं लग रहा है तुमको? हाँ वही बोल रहा हूँ। दिल्ली हाट से तो हम लोग निकल गए। मार्केट वैसे बहुत ओवर प्राइस था और मेरे को तो वहाँ पे उतना कुछ खास लगा नहीं, जिस हिसाब से मतलब इसको लोग पॉपुलराइज अगर किए हैं तो। एंड सेकेंडली फूड इज पैथेटिक, खाना भी अच्छा, बहुत बेकार। बाकी आगे दिखाइए जरा कितना खूबसूरत सा स्ट्रीट दिख रहा है। कौन सा पानी वाला? ये देखना, ये थोड़ा सा ये डेंट हो गया ना, ये हल्का, ये लाइन यहाँ पे घुस गया हल्का, बस इसको जरा एक बार उंगली से कर, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का से कर कर, निकल रहा है ये तो। वो तो निकल रहा है उस टाइम ये। चलो यार थकान हो गया, चले अब घर। सब लोग सामान छोड़ दिया टांगने के लिए। क्या बना रही हो तुम लोग दोनों बहन मिलके? चावल दाल आलू गोभी जी ना, आलू बैगन का सब्जी। आलू बैगन का ये डाल के ना सिंपी, क्या बोलते हैं, लहसुन वसन डाल के बना रही हो? अरे क्या बात कर रही हो, सच में चटनी भी बनाएगी? हैं चटनी या अचार? अच्छा आम, पापड़, पापड़ खा रही है ना? फिनिश कर ली। इसीलिए कहते हैं कि आदमी को दिन में एक ही टाइम खाना चाहिए होता है। चलो भाई, भाई साहब यही मिस हो रहा था लाइफ में, चावल दाल और घर का बना हुआ सब्जी, मिर्ची चटनी पापड़ खाते हैं यार, बस सब समय नहीं वेस्ट कर सकते। क्या मंगल, दिव्य है भोजन? हैं ओरिजिनल है ना? हंसी आ गया, तब से भूख लगा था। सच में यार सुबह से